कैसे हैं आप लोग सब। मेरे सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम अपना क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक में जो हमारा यूनिट टू चल रहा है उसके अंदर आज हम कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए निकालें आप लोग अपनी अपनी बुक्स और बुक का पेज नंबर 28। जब अपनी बुक्स ओपन करेंगे और पेज नंबर 28 निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली एक्टिविटी है, उसका नाम है लेट्स राइट। लेट्स राइट में हमारे पास जो एक्टिविटी है ये वाली एक्टिविटी सबसे पहले करेंगे। इसके लिए आप लोग निकालें अपनी अपनी बुक्स और बुक्स में जो है वो पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 पे हमारे पास एक्टिविटी है, इसे करेंगे। जिसमें से दो सवाल मैं आपको पहले ही दे चुकी थी, दो सवाल ये वाले जो है मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, उम्मीद है आप लोगों ने ये कर लिए होंगे। इसके बाद लिखा हुआ है एट द वर्ड्स ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स हमारे पास यहाँ देखेंगे पर्पल कलर के हाईलाइट हुए वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का आप लोगों ने अपोजिट लिखना है, ठीक है। वर्ड्स अपोजिट क्या होता है सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। वर्ड्स अपोजिट होता है एक अल्फाज है उसका उलट। जैसे मदर है, मदर के साथ का जो है वो अपोजिट क्या होगा, फादर, ठीक है। इसी तरीके से और भी होते हैं लव्स जिनका उलट बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि डे है यानी कि दिन है, दिन का अपोजिट क्या बनाया जाएगा, नाइट। डे नाइट, दिन रात, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे पास वर्ड्स अपोजिट, यानी कि एक अल्फाज है और उसका उलट बनाया जाए किसी चीज़ का, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्ड्स हमारे पास पर्पल कलर के जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं हाइलाइटेड वर्ड्स, उन वर्ड्स के हमें जो है क्या बनाने, अपोजिट लिखने हैं, और वही अपोजिट इन ब्लैंक्स में फिल होंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास लिखा हुआ है अंजू'स मदर एंड डैश कम टू द स्कूल, ठीक है। अंजू की मदर और उनके डैश जो हैं वो स्कूल आए। अब मदर का अपोजिट क्या होता है सबसे पहले तो ये देखना है। वर्ड्स हमारे पास ये हाइलाइटेड जो वर्ड्स हैं इनको हम इस वाली तरफ लिख लेंगे और जो अपोजिट वर्ड्स होंगे वो हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वर्ड्स के अपोजिट समझाती भी जाऊंगी और साथ साथ आप लोग इन ब्लैंक्स में जो है वो फिल भी कर लेंगे, ठीक है। मदर का अपोजिट क्या होता है बच्चों, फादर, ठीक है। अम्मी अब्बू, ठीक है। तो मदर हम कहते हैं अम्मी को और इसका अपोजिट जो है वो क्या होगा, फादर। अब आप देखेंगे कि इस ब्लैंक्स में जो अपोजिट हमने देखा है, हमने जो सोचा है, क्या ये अपोजिट इसमें बिल्कुल सही आएगा। तो अगर मैं यहाँ रखूँ अंजूस मदर एंड फादर कैम टू द स्कूल, ठीक है। अंजू के अम्मी और अब्बू जो हैं वो स्कूल आए, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है और अपोजिट रखने से जो है ये ब्लैंक पूरी फिल हो जाती है। तो आप लोग प्यारे बच्चों अपनी पेंसिल निकालिए और पहली ब्लैंक्स में फिल कीजिए वर्ड फादर। तो आप लोगों ने फिल कर लिया है। अब हम दूसरी ब्लैंक्स की जानिब चलते हैं। लिखा हुआ है माय अंकल एंड डैश कैम टू विजिट अस ऑन मंडे, मेरे अंकल और डैश आए हैं हमारे घर मिलने के लिए मंडे को, ठीक है। तो अब अंकल का अपोजिट क्या होगा, अंकल का अपोजिट होता है आंटी, ठीक है। अंकल आंटी, तो इसको जो है हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे आंट, अंकल आंट। अब यही आप लोगों ने जब ब्लैंक में फिल करना है तो ये जुमला कुछ इस तरह से बनेगा माय अंकल एंड आंट कैम टू विजिट अस ऑन मंडे, मेरे अंकल और आंट जो हैं वो मुझे मिलने के लिए आए थे मंडे को, ठीक है। अब हम थर्ड ब्लैंक की जानिब चलते हैं। लिखा हुआ है द लॉइन एंड डैश लुक्ड लविंगली एट देयर कब, लॉइन और डैश, ठीक है। लॉइन कहते हैं हम शेर को, लॉइन और शेर जो लॉइन और डैश जो हैं वो देख रहे हैं बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को, ठीक है। शेर के बच्चे को जो है हम क्या बोलते हैं, कब, ठीक है। तो लॉइन का अपोजिट क्या होगा, लॉइन कहेंगे शेर को और इसका अपोजिट होगा शेरनी, ठीक है। शेर शेरनी, शेरनी को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉइनस, ठीक है। लॉइन लॉइनस, शेर और शेरनी, ठीक है।
तो यहाँ पर जब आप ये जो है वर्ड फिल करेंगे लॉयनस, तो ये जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, द लॉयन एंड लॉयनस लुक्ड लविंगली एट देयर कप, यानी कि शेर और शेरनी जो हैं वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे हैं। ठीक है, अब हम नंबर 4 ब्लैंक की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द किंग एंड डैश सैट ऑन ब्यूटिफुल थ्रोन्स, किंग और डैश जो हैं वो बैठे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत से तख्त पे। ठीक है, तो किंग का अपोजिट क्या होगा? किंग कहते हैं बादशाह को। ठीक है, बादशाह का अपोजिट होगा मलका। ठीक है, किंग क्वीन, किंग क्वीन। ठीक है, बादशाह मलका। अब जब आप लोग ये अपोजिट वर्ड इसके अंदर फिल करेंगे इस ब्लैंक में, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, द किंग एंड क्वीन सैट ऑन ब्यूटिफुल थ्रोन्स। ठीक है, यानी कि बादशाह और मलका बैठे हुए हैं खूबसूरत से तख्त पे। इसके बाद लिखा हुआ है मैन, एम ए एन, मैन। मैन कहते हैं आदमी को, मैन का अपोजिट होगा वुमेन। ठीक है, आदमी औरत, मैन वुमेन। ठीक है, मैन का अपोजिट क्या बनेगा? वुमेन। ठीक है, तो जब आप लोग ये वर्ड यहाँ फिल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, द मैन इज़ रनिंग एंड द वुमेन इज़ वॉकिंग, आदमी जो है वो दौड़ रहा है और वुमेन जो है वो वॉक कर रही है, यानी चल रही है। ठीक है, आदमी दौड़ रहा है और औरत वॉक कर रही है। लास्ट लिखा हुआ है माय ग्रैंडफादर एंड डैश वेंट टू द मार्केट, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते हैं हम दादा को, मेरे दादा और डैश मार्केट की तरफ गए। ठीक है, अब दादा का जो है वो अपोजिट क्या होगा? दादी। ठीक है, ग्रैंडफादर हम कहते हैं दादा को भी या फिर नाना को भी, ग्रैंडफादर। इसका अपोजिट हमारे पास होता है ग्रैंडमदर। ठीक है, दादी या नानी भी कह सकते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा, दादी। ठीक है, अब जब इस ब्लैंक को इसमें फिल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वेंट टू द मार्केट, मेरे दादा और दादी मार्केट गए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये काम फिल कर लिया है। अब इस वीडियो को पॉज करें और अपनी कॉपी में वर्ड्स अपोजिट की हेडिंग डालिए और ये वाले वर्ड्स अपोजिट आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिए। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में कर लिए हैं ये ब्लैंक्स। अब हम चलते हैं पेज नंबर 29 की तरफ। पेज नंबर 29 पे हमारे पास फ़न टाइम है। फ़न टाइम में हमारे पास एक गेम है। ठीक है, चलें इस गेम को देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लेट्स प्ले बिंगो, चलें बिंगो गेम खेलें। हमारी गेम का नाम है बिंगो। तो इसमें लिखा हुआ है राइट एनी 9 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट इन द बॉक्सेस। हमारे पास यहाँ पर जो इस बॉक्स के अंदर जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको आप लोगों ने हर एक बॉक्स में एक एक वर्ड लिखना है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी वर्ड पहले लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप चाहें, आप इन वर्ड्स को जो है हर वर्ड को जो है एक एक बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद आपकी टीचर जो है इनमें से कोई भी 6 वर्ड बोलेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर वो वर्ड जो वो कह रही हैं उनमें आप लोगों ने क्रॉस लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कोई एक ऐसा बंदा जिसने जो है वो पहले क्रॉस लगा लिए उन सारे वर्ड्स पे जो उनकी टीचर ने कहे हैं, तो वो सबसे पहले बताएगा कि वो विनर बन गया है। तो ये वाली गेम जो है आप लोग ज़रूर अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा पेज नंबर 30 पे आ जाएं। आगे हमारे पास एक और एक्टिविटी है छोटी सी, इसको भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है इन व्हाट वे आर दीज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, किस तरह से ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, आपको पहली बात तो ये बतानी है। ठीक है, अब इनको जो है आपने क्या करना है, तीन तीन ग्रुप बनाने इन सारी चीज़ों के। ठीक है, कि
तीन ग्रुप ऐसे हों कि जिस ग्रुप में जो है ये चीज़ें हों, तीन तीन जो यहाँ पे हम तीन इंस्ट्रूमेंट जो है हम इकट्ठा करें एक साथ, वो बिल्कुल एक ही तरह से हों, ठीक है, और बाकी के तीन का जो हम ग्रुप बनाएं वो बिल्कुल एक जैसी हों, और बाकी के तीन का जो हम ग्रुप बनाएं वो एक जैसी हों। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। आपको 3-3-3 करके जो है ग्रुप बनाना है, और क्या करना है इसको जो है अलग अलग ग्रुप्स में लिखना है। तो मज़ीद आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये पेज नंबर 31 जब आप ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखेंगे कि जो है बड़े बड़े से ब्लैंक बॉक्सेस दिए हैं, यहाँ पे ब्लैंक जगह दी हुई है। इसके अंदर आप लोगों ने उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के आप नाम भी लिख सकते हैं, या चाहें तो उसे यहाँ पे ड्रॉ करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है म्यूज़िकल दैट यू प्ले विद फिंगर। पहला ग्रुप तो आपने उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का बनाना है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिंगर्स से चलते हों, ठीक है, उंगलियों से बजते हों, या फिर हाथों से हम उसे प्ले करते हों, बजाते हों। और दूसरा ग्रुप आपको उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बनाना है जिन इंस्ट्रूमेंट्स को आप स्ट्रिंग की मदद से बजाते हो, ठीक है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि आप उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को तार की मदद से बजाते हो। दूसरा ग्रुप आपने इन इंस्ट्रूमेंट्स का बनाना है, ठीक है। तीसरा ग्रुप आपने किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बनाना है जिसको आप जो है अपने मुँह के फूंक की मदद से या फिर हवा की मदद से जो है वो प्ले करते हो, ठीक है। तो आपने इसके बाद इसका ग्रुप बनाना है। तो चले हम इसको देख लेते हैं एक मरतबा। यहाँ देखें सबसे पहला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ये है तबला, ठीक है। तबला जो है वो कैसे चलता है, फिंगर्स की मदद से। जब आप फिंगर्स से या हैंड से इसके ऊपर जो है वो प्रेस करेंगे तब भी ये बजेगा। तो ये वाला जो है हमारे पास किस ग्रुप में आएगा, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट डैट यू प्ले विद फिंगर, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हम उंगलियों से या फिर हाथों की मदद से बजाते हों, ये वाला इस ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है और सारे जो हैं पहले ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं जो फिंगर्स से चलती हों। सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया तबला है, तबले का नाम लिख लें। दूसरी चीज़ है डफली, ठीक है, डफली भी हम फिंगर्स की मदद से बजाते हैं। तीसरी चीज़ है ढोलक, ढोलक भी हम फिंगर्स की मदद से बजाते हैं। तो ये इन तीनों के नाम या फिर इन तीनों के पिक्चर्स आप म्यूज़िकल दैट यू प्ले विद फिंगर्स वाले बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि हम तार की मदद से बजाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि गिटार है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम तार से या स्ट्रिंग की मदद से जो है वो प्ले करते हैं। फिंगर्स की मदद से जो है ज़्यादातर नहीं होता, आमतौर पे ये तार की मदद से भी बजाया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ है वायोलिन। वायोलिन भी जो है ये तार की मदद से बजता है, ठीक है, दो ये हो गई। और तीसरी चीज़ है सितार, ठीक है। तो ये सितार भी जो है ये स्ट्रिंग की मदद से भी बजाया जाता है। तो आप इन तीनों चीज़ों के नाम या फिर इनके पिक्चर्स जो हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वाले बॉक्स में लिखेंगे। थर्ड है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट डैट यू ब्लो इनटू, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको आप अपने फूंक की मदद से जो है वो बजाते हों। तो वो है हमारे पास सबसे पहले तो है ये फ्लूट, ठीक है, बांसुरी, इसके अलावा है शहनाई, ठीक है, ये जो बड़े वाले बाजे होते हैं। इसके अलावा है ये एकतरा, ये भी एक तरह का बाजा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप तभी प्ले कर सकते हैं जब आप इनको जो है अपने माउथ से इसके अंदर हवा ब्लो करेंगे, ठीक है, फूंक मारेंगे, तभी ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इनमें से एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी आवाज़ आती है। तो इनको आप इसमें लिखेंगे, आखिरी वाले जो है वो बॉक्स में सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो ये तीन काम आप लोग कर लेंगे। ये हमारा था क्लास वर्क। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की जानिब। होमवर्क में मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स लिख के दे रही हूँ जिनके अपोजिट आप जो हैं अपने किसी भी पेरेंट्स की मदद से या अपनी टीचर की मदद से जो है होम में बैठ के आराम से उसके अपोजिट बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स मैं आपको यहाँ लिख के दूंगी, उसके अपोजिट आप लोगों ने बनाने। पहला वर्ड है हमारे पास बिग, ठीक है, बिग का मतलब होता है बड़ा। अब बिग का अपोजिट क्या बन सकता है, आप लोग जो हैं वो खुद से बनाएंगे। इसके बाद है ब्लैक,
ब्लैक एक कलर है, काले कलर को जो है हम काले रंग को ब्लैक बोल दें, ठीक है। इसके बाद है स्लो। स्लो कहते हैं आहिस्ता को, इसका भी आप लोगों ने अपोजिट बनाना है, यानी कि उलट बनाना है, ठीक है। इसके बाद है ड्राई। ड्राई कहते हैं हम खुश्क को, ठीक है। इसके बाद है क्लीन। क्लीन कहते हैं साफ को या फिर साफ सुथरे को। इसके बाद है टॉल। टॉल कहते हैं हम लंबे को, ठीक है। इसके बाद है ईजी। ईजी कहते हैं आसान को। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसके अपोजिट बनाने हैं। आप लोग ये वाले वर्ड्स अपनी कॉपी में लिख लीजिए और होमवर्क पे बैठ के आप लोग, अगर आपको खुद से समझ आ रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसके जो है आप लोग अपोजिट बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सारे बच्चे ये वाला काम कर लेंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, इसमें मज़ीद और एक्टिविटीज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।